अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चले सब बच्चे अपना उर्दू कायदा खोलें। आज उर्दू कायदे में आज का जो हमारा हर्फ है, जो आज हम हर्फ पढ़ने जा रहे हैं, वो है, देखिए ज़रा गौर से, मिलता जुलता है जीम चे हे से, जीम ज हे ह और चे च से मिलता जुलता है। लेकिन गौर से देखें, इसका नुक्ता तो बिल्कुल ही अलग जगह में है, इसका नुक्ता इसकी छत के ऊपर है। तो ये है, इसका नाम है खे ख, क्या है ये? खे ख, ख ख खुबानी, ख ख खरगोश, ख ख खत, ख खुबानी, ख खरगोश, ख खत। चले आए, ख से मुख्तलिफ हर्फ मिलाकर कुछ अल्फाज बनाते हैं। ख दा ख दाख, ला ख लाख, शा ख शाख, का ख काख, ना ख नाख, ख ख ख आ खा, खा खास खास, खा क खाक, खाम खाम, खार खार, खान खान, खा द जेर म दिम खादिम, जेर की वजह से ई की आवाज़ आई, द जेर दी म दिम खादिम, खा र जेर श रिश खारिश, खा र जेर ज रिज खारिज, खा ल जेर क लिक खालिक, खा त जेर र तिर खातिर, खा म इमी खामी, खा ल जबर हाला खाला, खा क इकी खाकी, खा ल पेश वालू खालू, खा न जबर हाना खाना, खा ल जेर दलिद खालिद, खा ल जेर सलिस खालिस, खा ल इली खाली, खा क जबर हाका खाका, ख वाहो ख वाहो ख वाहो, श जबर हाशा होशा, ख जबर वाहो ख जबर वाहो, ख जबर वाहोफ होफ, ख जबर ल खल, क जबर तकत खलकत, ख जबर ल खल, क जबर तकत खलकत, ख पेशवाहू ख पेशवाहू, ख पेशवाहून खून, ख पेशवाहूब खूब, ख पेशवाहूब इबी ऊबी, ख पेशवाहू ब आबान इनी बानी खू बानी, ख इही ख इही, च जबर चर ख इही चरही, ख जबर ए खै ख जबर ए खै, ख जबर ए खैर खैर, ख जबर ए खैर खैर, ख जबर ए खै महामा खैमा, ख जबर य खै महामा खैमा, ख जबर ए खै र आ रात रात खैरात, ख जबर य खै र आ रात रात खैरात, ख जबर त खत ख जबर त खत, र जबर है रह खत रह, र र के ऊपर जबर है तो हा आ गई, ख जबर त खत र जबर हा रह खत रह, ख जबर त खत र जबर हा रह खत रह, ख जेर र खिर क जबर हा का खिर का, ह ख पेश र खुर फ जबर हा फा खुरफा, ख पेश र खुर म आमा खुरमा, ख जबर र खर च आचा खर्चा, ख ख जेर द खिद म जबर त मत खिदमत, ख आखा म वामोश मोश खामोश, ख जबर र खर ग वागो खरगोश खर गोश, ख जब ख पेश त खुत ब जब ब जबर हा बा खुत बा, ख जबर द खद श जबर हाशा खदशा, ख जबर ल खल व जबर त वत खलवत, ख ख आखा म वामोश मोश खामोश, रह रह खामोश रह, ख पेश त खुत ब जबर हाबा खुतबा, स पेश नुन सुन खुतबा सुन, ख जबर त खत ल जेर ख लिख खत लिख, ख
زبر ل خل ق زبر ت قط خلقت ق کی خلقت کی خ زیر د خدمت مت خدمت کر کر خلقت کی خدمت کر۔ آج کا آپ کا سبق یہی تھا، آپ نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور آخری لائن ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنے رف رجسٹر پر لکھنی ہے املا کے طور پر اور اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔